एक लड़का आया था, वो कह रहा है मैंने आपके साथ मतलब एक काम करना है। तो उनके साथ मैं गई थी तो वहाँ पे 4-5 और थे। लोगों को अपनी इज्जत दे के क्या बचेगा तुम्हारा शादी के लायक? कब से ये कर रही हो? ये तकरीबन 1 माह हो गया। कंपनी में चले जाओ तो सुपरवाइजर बोलते हैं हमारे साथ सेटिंग कर लो, दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बस कभी लग गया, कभी ना लगा, कभी 1,000, कभी 2,000। यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आए, वरना हम कलमा चौक में करते हैं काम। दुनिया आपको इतना तंग करती है, इतना मतलब हर जगह पे आपको कहते हैं कि हमारे साथ गलत काम करें आप, तो इससे अच्छा ये कि आप इस काम में आप आ जाएं। हमारी 22 साल उम्र है, पता नहीं किस किस उम्र का बंदा होता होगा, बड़े बुजुर्ग 50 साल का भी होता है। जी हर जगह काम करके देखी है, ये रोड पे जो बेचते हैं सीमेंट वगैरह ये भी काम करके देखा है, लेकिन हर बंदा आने जाने वाला हाथ टच करके जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या नाम है? मेरा नाम किंजा। किंजा, क्या उम्र है? 22 साल। 22 साल? 22 साल। शादीशुदा? गैर शादीशुदा? जी। तो क्या काम कर रही है? बस क्या करें, मैं मजबूरी है काम, मैं कोठी पे करती थी, कोठी में काम करती थी, तो उन्होंने मतलब बहुत बदतमीज़ी करते थे, वो जो साहब थे ना वो बहुत बदतमीज़ी करते थे। तो फिर मैंने कहा जब वो यही इतना तंग करते हैं तो फिर इससे अच्छा इंसान रोड पे चला जाए। फिर ये मेरी वहाँ पे भी यही डिमांड? हाँ जी, वहाँ पे कहते थे, कहते थे हमारे गलत काम करें आप, हम आपको पैसे देते हैं। मजबूरी क्या है गेंजा, आपकी मजबूरी? जी मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है कि बस अब्बू फौत हो गए, अम्मी बीमार है, बहन भाई कोई भी नहीं है, बस मैं ही अकेली हो। जी अम्मी अब्बू को पता है? अम्मी को पता है? नहीं। तो क्या कह के आती हूँ, कहाँ जा? मैं उनको ये कहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। जी आप कभी आ जाए अम्मी हॉस्पिटल? नहीं, हॉस्पिटल उनको मैं बता के आती हूँ कि रात की नाइट की ड्यूटी है, सुबह मैं ऐसे 5-6 बजे चली जाती हूँ। कब से ये कर रही हूँ? ये तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह? जी। तुम अपना मुस्तकबिल भी ख़राब कर रही हो, तुम शादी के काबिल भी नहीं रहो। बस मैम क्या करें, मजबूरी है तो शादी भी नहीं करोगे? कोई अच्छा इंसान मिलेगा तो कर लूँगी। कैसे करोगी, सब कुछ तो तबाह कर रही हो, लोगों को अपनी इज्जत दे के क्या बचेगा तुम्हारा शादी के लायक? अब क्या करें, हर जगह पर यही हालात हैं। कंपनी में चले जाओ तो सुपरवाइज़र बोलते हैं हमारे साथ सेटिंग कर लो, दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इंसान कहाँ जाए आप ही बताएं। कितना 1 माह में कितना कमा लिया? बस कभी लग गया, कभी ना लगा, कभी 1,000, कभी 2,000। कौन से एरिया में? आज मैंने पहली दफ़ा इधर देखा। यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आए, वरना हम कलमा चौक में करते हैं काम। कलमा चौक? जी कलमा चौक पे तो और बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़कियाँ हैं दूसरी, वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे बस क्या करें हम मजबूरी में। तो कौन लेके आया इस लाइन पे, किसने लगाया मशवरा? मेरी एक दोस्त थी, वो लेके आई है, उसने कहा आप ये कर लो, उसने बताया। वो खुद भी करती है? हाँ जी वो खुद भी करती है। वो भी गैर शादी? मियाँ फौत हो गया तो वो बेचारी मजबूरी में करती है। वो भी गैर शादी? नहीं नहीं, उसका मियाँ फौत हो गया, उसके 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो उसने क्या कहा कि ठीक ठाक कमाई हो? नहीं नहीं, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर दुनिया आपको इतना तंग करती है, इतना मतलब हर जगह पर आपको कहते हैं कि हम ऐसा गलत काम करें आप, तो इससे अच्छा ये कि आप इस काम में आप आ जाए। तो डर नहीं लगता? आप तो गैर शादीशुदा हैं, डर नहीं लगता किंजा आपको? लगता तो है, हर इंसान को, किसका दिल करता है रोड पे इंसान खड़ा हो, पता नहीं किस तरह का बंदा है आगे, वो किस तरह का रवैया दे, क्या करे क्या ना करे। बस क्या करे मैम, बहुत मजबूरी है, तो हर इंसान मजबूरी में ही काम करता है, किसी को शौक तो नहीं होता, आधी रात का टाइम है तो रोड पे खड़े होना अच्छी बात तो नहीं होती, बस मजबूरी है। हमारी 22 साल उम्र है, पता नहीं किस किस उम्र का बंदा होता होगा, बड़े बुजुर्ग 50 साल का भी होता। जी रोना नहीं आता? आता है, बस क्या करें मजबूरी है। कभी ऐसे हुआ कि कुछ उन्होंने नाजेब हरकत की हो या तुम्हें? कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा वाक्य जिससे तुम्हें बहुत डर लगा हो और तुमने ये सोचा कि अब ये नहीं करना, फिर उसके बाद मजबूरी तुम्हें दोबारा ले? बस एक वाक्या है मुझे याद है, वहाँ पे मैं एक बंदों ने कहा, एक लड़का आया था, वो कह रहा है मैंने आपके साथ मतलब एक काम करना है, तो उनके साथ मैं गई थी तो वहाँ पे 4-5 और थे। अच्छा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादती की थी, बहुत मारा था, तो उसके बाद मैं, मुझे बहुत दिल में खौफ बैठ गया था,
तो 10 दिन मैं काम पे फिट नहीं आई थी। 10 दिन काम पे नहीं, बुखार हो गया। हाँ जी। तो सारों ने काम किया? हाँ जी सब। ऐसे नहीं दिए किसी ने भी? किसी ने भी नहीं। वीडियो वगैरह तो नहीं बनाई? तस्वीरें वीडियो नहीं, वीडियो नहीं बनाई, मारा था और काम किया था जी। तो कभी ऐसा हुआ, माँ तो आपके ज़िंदा है, कि अपनी तकलीफ माँ के सामने गई हो तो आंसू निकल आए हों कि ये मैं क्या कर रही हूँ और क्या मैं इस वक्त के लिए पैदा हूँ? बस क्या करें मैम, बस मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। तो हर जगह काम करके देख लिया है, ये रोड पे जो बेचते हैं सिमें वगैरह ये भी काम करके देखा है, लेकिन हर बंदा आने जाने वाला हाथ टच करके जाता है। तो कलमा चौक से यहाँ ज़्यादा सही कमाई है? नहीं पता नहीं, हम क्यों छोड़ा है इस टाइम आए हैं। हाँ क्यों छोड़ा है ना, मतलब डाला वगैरह था तो जी। हाँ जी प्रॉब्लम का जी, तो वहाँ से फिर हम इधर आ गए। यहाँ पे भी तो आते हैं? पता नहीं आए थे लेकिन हमने नहीं देखा। तो तकरीबन हम आधा घंटा में घंटा हो गया इधर आए हुए, तो काम नहीं लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम वापस कलमा चौक, काम नहीं लगा आज, आज तो लगा ही नहीं। कल लगा था काम? हाँ जी कल का। कितनी कमाई हो? यही 1000 रुपया। 1000 रुपये रोज काम हुआ था? हाँ जी बस 1000 रुपये में एक जी, एक बार यानी? हाँ जी। बस कोई 1000 दे देता, कोई 700 दे देता, कोई 500 दे देता, उस पर डिपेंड। हाँ जी। बाकी तो चलो शादीशुदा है उनका इतना नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा इंतहाई अफसोस हो और दुख भी हो। बस मैम क्या करें, मजबूरी है, हालात कुछ ऐसे हैं मुल्क के, कहीं पे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। आदि भाई ये कवारी है, मतलब गैर शादीशुदा है, 22 साल है उम्र इसकी, शादीशुदा नहीं है, लेकिन ये इस काम में है। मैडम इनके हालात ही कुछ ऐसे जा रहे हैं, हमारे जो मुल्क के हालात हैं ना वो है इस तरह के हैं, और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जो है ना, पहले तो इससे मैं बात की तो मेरे से इसने डील भी की है जी, मैं आपसे इतने पैसे लूँगी पहले, ठीक है। तो मैंने ना इसे कहती है नाइट पे मेरे साथ चलो, ठीक है। तो मैं बोला कितने पैसे, कहती 5000 रुपये मैं लूँगी। तो मैंने ना इसे वैसे एक बात बोली कि नाइट के लिए 5000 तो मैं दे रहा हूँ, तो मेरे से आईडी कार्ड नहीं मांगोगे तुम? तो जाहिर सी बात है किसी को स्कोर करने के लिए कुछ चीज़ आपको, वैसे को बंदा लेके चला जाता है आपको। तो बोला क्या ना, रोने के अंदाज में इसने पता क्या बोला है, कहती हमारा तो अल्लाह वारिस है, हमारा तो और कुछ भी नहीं है, ठीक है, खुदा पे यकीन करके हम किसी के साथ चलते हैं, तो हम अगर जाते भी हैं तो कोई हमारे से ज्यादती भी करता है, कोई पैसे भी नहीं देता, कुछ मामला करते हैं। तो ये आवाम, ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए इन बातों का, कि इनका कुछ गरीबों का सोचें, महंगाई को कम करेंगे तो ये लोग, मुझे ख्याल नहीं कि ये बाहर निकलेंगे। इसको मजबूरी नहीं लेके भाई, मसला कुछ और है। इसने कहा जी मैं कहीं जॉब करती थी, वहाँ का सुपरवाइज़र मुझसे ये गलत डिमांड, तो मैंने कहा जब वो डिमांड करते हैं अगर गलत ही करना है तो फिर अड्डे पे क्यों ना चले? वो बात इसकी ठीक है, वो मजबूर है ना, वो मजबूरी के तहत उधर काम पे गई है, लेकिन उधर जाके वो जिस्म फरोशी वो भी करेंगे, जाके सुपरवाइजर के साथ जिस्म फरोशी करेगा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं जाके अड्डे पे करती हूँ जाके, तो उधर उसे कम पैसे मिलते हैं, इधर इसके ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, इसके रात को कभी 10-10 हज़ार भी इनका बन जाता है, किसी दफा कुछ भी नहीं बनता, तो इनका दारोमदार चलता है, वो एक महीने बाद 30-35 हज़ार मिलता है। नाज़रीन मसाइल आपने सुने हैं, मसाइल तो सबके हैं, ये जो ज़ाहिर है अड्डे पे आती है कोई शौक से नहीं आती, किसी का क्या मसला है, किसी की क्या मजबूरी है, लेकिन मैं हैरान हूँ और अफसोस है, हैरान तो नहीं, अब ये उनका अमल उनका साथी कि ये किस तरह गैर शादीशुदा होकर ये काम कर रही हैं। बाकी सही और गलत का फ़ैसला आपने करना है, हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम में फी अमल।